everyone, I am Isha and I welcome all of you to this beautiful platform of Isha Study Center. And today we are going to start off with the animal tissues. Okay, so ये animal tissues क्या है? Tissues हमारा जो chapter है class 9 science का chapter number 6, उसी का एक part है animal tissue. और मैं आपको बता देती हूँ, this is part number 3 of the chapter tissues. Okay. तो आप में से जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं, सो पहले जाके आप वो पार्ट 1 और 2 देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. बेसिकली पार्ट 1 और 2 में हमने समझा था टिश्यूज क्या होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या एनिमल और प्लांट के टिश्यूज सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं. फिर हमने जाना था प्लांट टिश्यूज की फर्दर कैटेगरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अबाउट मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप सभी को आंसर करने हैं. ओके, सो प्लांट टिश्यू को हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझते हैं, प्लांट टिश्यूज. ठीक है, फर्दर टाइप्स क्या होते हैं जल्दी से बता दो ये चार्ट सेक्शन. प्लांट टिश्यू के फर्दर दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, जल्दी से बताओ. यस, फर्स्ट वन इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. Okay, meristematic tissues, then second category is your permanent tissue. ठीक है, meristematic tissue का आप जो है एक point में डाल सकते हो, they are, आप इसको एक point में डाल सकते हो, they are the dividing tissues. और अगर हम बात करें permanent tissues की, so they are non-dividing. ये अपने particular function को लेते हैं, let's suppose उन्हें कोई भी function करना है, उसी में specialize हो जाते हैं और वो function कर देते हैं, करते रहते हैं. They never divide. ठीक है, non-dividing tissues. अगर इन्हें divide करना होता है, so ये वापस से meristematic tissues की form में जाते हैं, जो कि अभी आपकी 9th standard में नहीं है, so अभी आपको वो concept नहीं पढ़ना. ठीक है, सो परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अब फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें, सो जल्दी से बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फर्दर तीन कैटेगरी होती है. यस, जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए चैट सेक्शन में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फर्दर तीन कैटेगरी होती है, एपिकल मेरिस्टम. ओके, सिर्फ और सिर्फ एपिकल लिख देते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम. इन तीनों के फंक्शंस मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी इन दी क्लास. और परमानेंट टिश्यूज की फर्दर दो कैटेगरी होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यूज हो गए जल्दी से बता दो. सिंपल को हमने सिंपल क्यों कहा, और कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स है जो हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स कहा. सो कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हमने किए थे, सो चार्ट सेक्शन में बता दो. यस, ओके, सो सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, एक टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स है, और कॉम्प्लेक्स में ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो जाते हैं. इनकी फर्दर कैटेगरी है पैरेन्काइमा. यस, सेकेंड कैटेगरी इज कॉलेनकाइमा. एंड थर्ड कैटेगरी इज व्हाट, स्क्लेरेनकाइमा. मैंने यहाँ पे आपको बताया था डेड सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और डेड सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं. यस, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, कहाँ पे इन तीनों कैटेगरीज में से कहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और डेड सेल्स का फंक्शन क्या होता है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. यस, अब आई होप आपको बोर्ड पूरा अच्छे से विजिबल है. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सो यहाँ दो कैटेगरीज आएंगी, एक होती है जाइलम, एक होता है फ्लोएम. जाइलम क्या करती है जल्दी से बता दो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं क्लास में, दिस वॉज जस्ट अ क्विक ओवरव्यू. सो जाइलम क्या करेगी, वॉटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है. ठीक है, ये दोनों क्या है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करेगी फ्लोएम, और वॉटर की ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करती है जाइलम. ठीक है, सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी. ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हो अपनी नोटबुक में. ठीक है, क्विकली लर्न करने के लिए, समराइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द एनिमल टिश्यूज.
ओके सो अभी तक हमने स्टडी करी थी प्लांट टिश्यूज की, अब हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज में. एनिमल टिश्यूज में हम बेसिकली अपनी बॉडी के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, कौन से टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या उनके फंक्शन होते हैं. ओके, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट. हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स. ठीक है, सो ये सब आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था. ओके ओके, लेट्स अगेन डिस्कस दिस ऑल. देखो एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले क्या कहा गया है कि जब मूवमेंट होती है हमारी चेस्ट की, मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सो हमारी चेस्ट की मूवमेंट होती है. कैसे होगी, जब देखो किसी भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट हो रही है ना, अगर कोई भी बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, सो मूवमेंट किसकी हेल्प से होगी, हमेशा याद रखना एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर मसल, मसल सेल्स की हेल्प से होती है मूवमेंट. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब मसल सेल्स की होगी, सो उसी से क्या होती है, हमेशा मूवमेंट होती है. सो कहीं पर भी मूवमेंट की टर्म आ रही है, यानी कि मसल सेल्स इन्वॉल्व है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ब्रीदिंग में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो. अब हमने कहा कि जब हम इनहेलेशन करेंगे, यानी कि ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन वो इनहेल करी हुई ऑक्सीजन, यानी कि जिसको हम ब्रीद इन करते हैं, वो ऑक्सीजन आखिर कहाँ पर जाती है, इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड. देखो एब्सॉर्ब हुई और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हर एक बॉडी सेल्स के पास. और कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, थ्रू द ब्लड. क्लियर है सभी को, थ्रू द ब्लड. फाइबर सेल्स नीड ऑक्सीजन. नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि ठीक है, हमने जो है ऑक्सीजन इनहेल कर ली, कैसे जाएगी दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ब्लड करेगा. अब जो है मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत ही क्यों है. ठीक है, आखिर सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत ही क्यों है. सो द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखा था ना हमने सेल चैप्टर में. ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, ब्लड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एपिथेलियल टिश्यू भी हमने कवर कर लिया था इन दी लास्ट सेशन. नाउ मूविंग डायरेक्टली टू द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सो ब्लड क्या है, ब्लड जो हमने अभी देखा था, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करा था, इसीलिए हमने वो वाला पैराग्राफ रिपीट करा था. वहां पे सिग्निफिकेंस में आपको ब्लड की बताना चाहती थी, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है. ठीक है, ओके, न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की, इन सभी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड इन्वॉल्व होता है. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Why would it be called connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter. अब इसको हमने ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा? ठीक है, इसकी क्लू यानी कि इसकी मतलब एक तरह से हिंट ऑलरेडी प्रोवाइड करके इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर की. सो आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है. ओके, अब देखो जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो लूजली स्पेस होते हैं और वो इंटर सेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, दैट मे बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब देखिए इस बात को हम थोड़ा डीप में समझते हैं. ठीक है, चलिए ये देखो, ये आपका दे रखा है कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम्स. ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं हम मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है. ये देखो, ये जितने भी ये हमारे ये जैसे मैक्रोफेजेस मार्क कर रखे हैं आपके, कॉलेजन फाइबर, मास सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारी चीजें आपके, ये सभी स्ट्रक्चर जो मार्क कर रखे हैं, उनके अलावा जैसे हम एक सेल की बात करते हैं, सो सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं ना. सेल ऑर्गेनेल्स जिस वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है ना, वहीं पे सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस है, ईआर है, गोल्जी है, ये सभी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं. कहां पे, कौन सी वॉल्यूम में, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. इसी तरीके से यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस है ना, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स. ओके,
दैट इज नोन एज व्हाट मैट्रिक्स. और यहाँ जो मैट्रिक्स है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट भी हो सकती है, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है. फ्लूइड मीन्स लाइक लिक्विड फॉर्म में. ओके सो अलग अलग तरीके के इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है. अभी हम ये सारी चीजें पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखो किसी भी चीज का नेचर है, हमने जैसे देखा था, जैसे ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लूजली स्पेस्ड होते हैं, काफी खुले खुले होते हैं. ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सभी सेल्स एक साथ ऐसे है विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ऐसा नहीं है. यहाँ पर ये लूजली स्पेस है, दूर दूर प्रेजेंट है और फाइनलीज. और इनका जो ये मैट्रिक्स है उसकी कंपोजिशन डिपेंड करती है वो पर्टिकुलर कलेक्टिव टिश्यू क्या वो फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, अभी हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की, जब हम देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द ब्लड, सो ब्लड के मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, सो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. एंड एज आई टोल्ड यू कि फ्लूइड जो टर्म है वो बेसिकली लिक्विड और गैसेस चीजों के लिए यूज करी जाती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स जो है, अब मैट्रिक्स गैसेस तो होगा नहीं, तो बात बची किसकी, लिक्विड की. सो ब्लड का जो है वो लिक्विड मैट्रिक्स होता है विच इज नोन एज व्हाट, प्लाज्मा. ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि ब्लड के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सो द स्पेसिफिक टर्म इज प्लाज्मा, दैट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स इन व्हिच आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, सो ब्लड में ध्यान रखेंगे ब्लड के मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दी प्लेटलेट्स. ठीक है, प्लेटलेट्स में क्या होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो बहुत तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स. ठीक है, सो अलग अलग टाइप है. सो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स एंड सॉल्ट्स, ये छह के छह पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आप सभी को. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट, अब ये क्या है, फंक्शन है ब्लड का, क्या करेगा ब्लड, ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को, फूड को, डाइजेस्टेड फूड जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है अब उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी पहुंचाना जरूरी है. ठीक है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है. हॉर्मोन्स की, हॉर्मोन्स क्या करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, हॉर्मोन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में. कोई भी अगर सपोज किसी भी चीज की ज्यादा हो गई कोई बॉडी में हमारी किसी चीज की क्वांटिटी अमाउंट, सो हॉर्मोन उस चीज को रेगुलेट करेंगे, कम करा देंगे, ज्यादा करा देंगे, कुछ ट्रिगर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड दी वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दी बॉडी. सो ये किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, वो भी आपको क्लियर हो गया. ब्लड की कंपोजिशन क्या है वो भी क्लियर हो गई. नाउ मूविंग ऑन टू दी अनदर टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, दैट इज दी बोन. फर्स्ट वन क्या था, ब्लड. सेकेंड वन इज दी बोन. बोन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है. क्या करती है बोन, जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल बात है. बोन क्या करेगी, बॉडी का सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाती है और पूरे बॉडी के जो छोटे छोटे हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लंग्स की, यस जल्दी से बताओ, अगर मैं बात करूँ लंग्स की, हार्ट की, सो इनको कौन से बोन ने प्रोटेक्ट कर रखा है, यस लंग्स को, रिब केज, बोनी स्ट्रक्चर है रिब केज. ठीक है, स्टर्नम होता है, सभी क्या है, बोनी स्ट्रक्चर्स हैं. बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, किसी एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करेंगे और उनको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, मसल्स के साथ भी कई बार जब हमारी बोन्स प्रेजेंट होती है, सो दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सीबल टिश्यू. नॉन फ्लेक्सीबल के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं नॉन प्लायबल. ठीक है, सो क्या है, मजबूत है, फ्लेक्सीबल नहीं होती. आपने कई बार बोन्स देखा होगा ऐसे करके टूटती तो नहीं है ना, दे आर नॉट फ्लेक्सीबल. फ्लेक्सीबल का मीनिंग होता है बेसिकली जो ऐसे करने से ना टूटे. लेकिन बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स पे इस तरीके से प्रेशर ज्यादा डल जाएगा, सो दे कैन ब्रेक अपार्ट. ओके,
Now, bone cells are embedded in a hard matrix. अब bone cells के अगर हम matrix की बात करें, जैसे हमने blood के matrix की बात करी, इनके पास liquid matrix था, bone cells के पास hard matrix होता है, जिसके पास calcium और phosphorus के compounds present होते हैं। याद हो गया सभी को, blood के पास liquid matrix, bones के पास hard matrix होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जेली लाइक भी हो सकता है, हार्ड रिजिड लिक्विड कैसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दैट परफॉर्म्स। सो बोन क्या करेगी, बोन के पास हार्ड मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है बोन्स को। क्लियर है? नाउ अब दो बोन्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है By another type of connective tissue called the ligament. अब ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बोन और बोन को जो कनेक्टिव टिश्यू अटैच करेगा, हमेशा बोन और बोन की अटैचमेंट कराएंगे कौन से कनेक्टिव टिश्यू, दे आर नोन एज लिगामेंट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें बोन और कार्टिलेज की, ओके, बोन और कार्टिलेज की, सॉरी, बोन टू मसल्स की, नॉट कार्टिलेज, बोन टू मसल की, सो यहाँ पर हेल्प करेंगे हमारे टेंटन्स, ठीक है। अब लिगामेंट की अगर हम बात करें, सो दे आर वेरी इलास्टिक टिश्यू, इसके पास स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है, बहुत ही कम मैट्रिक्स होगा, और ये बोन्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से कनेक्टिव टिश्यू बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे हम दूसरे वाला देखेंगे, सो वहां पर बताएंगे कि बोन को मसल से, देखो ये रहा टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये देखो गाइस, यहाँ पे जो है आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिगामेंट और टेंडन्स के बीच में अगर क्वेश्चन अगर डिफ्रेंशिएट करना हो, सो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखोगे, बोन्स को बोन से अटैच करने वाला कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट, और टेंडन्स का फर्स्ट पॉइंट बोन्स को मसल से अटैच करने वाला। लिगामेंट इलास्टिक होते हैं, इनके पास कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, तीन पॉइंट्स हो गए। इसी तरीके के से टेंडन्स क्या है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, इनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, सो दैट इज लिमिटेड। सो इसी तरीके से आप तीन से चार पॉइंट डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, और अलग से आपको अपनी नोटबुक में टेबल बनानी है लिगामेंट्स और टेंडन्स के फोर डिफरेंशिएट पॉइंट्स की, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है आज के सेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये देखो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, कॉम्पैक्ट बोन, हायलिन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू पर देख लेते हैं सभी को। ये देखो ये हमारे ब्लड सेल्स है, बेसिकली ये ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स है, WBC के ही डिफरेंट पार्ट्स है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड की, ब्लड का ही एक पार्ट, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये सभी क्या है, ये देखो ल्यूकोसाइट क्या है, यहाँ पे ल्यूकोसाइट का मीनिंग है WBC, WBC इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बोन्स की बात करें, सो ये बोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, हार्वेशियन कैनाल प्रेजेंट होती है, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट और हायलिन मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये क्या है, कैनालिक्यूलस है, कंटेन स्लेंडर प्रोसेसेस ऑफ बोन सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट का क्या मतलब है, बोन सेल, साइट्स का मीनिंग होता है सेल, और ऑस्टियो वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग बोन। सो बोन सेल क्या है, ऑस्टियोसाइट्स को भी हम क्या बोलते हैं, बोन सेल्स बोलते हैं। एंड देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हायलिन मैट्रिक्स, ये पूरा क्या है, हायलिन मैट्रिक्स है ना, यानी कि किसकी बात हो रही है, हायलिन कार्टिलेज की, ठीक है। सो ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स है, कार्टिलेज वाले सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, अगेन द साइट इज रिप्रेजेंटिंग सेल एंड कॉन्ड्रो इज रिप्रेजेंटिंग कार्टिलेज, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो देखो आगे भी आप देख सकते हो, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एरियोलर टिश्यू एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू। अभी मैं आपको बता देती हूँ एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में मिलेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलेंगे, और नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। सो ये चीजें ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पर एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है,
स्किन और मसल के बीच में एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट रहेंगे एरियोलर टिश्यू, ठीक है, और हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होंगे। क्या करते हैं बेसिकली, फंक्शन क्या है इनका, इट फिल्स दी स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये हर एक पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिए। वैसे ही आपके जो है देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दिया, दो से तीन पॉइंट ये रखे हैं। सो एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को, कोई भी टिश्यू लेके डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक पॉइंट एनसीईआरटी वाला एटलीस्ट आपको याद हो, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें एडिपोज टिश्यू की, सो एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, फैट स्टोरेज में हेल्प करते हैं एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। फैट स्टोरेज में हेल्प करेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। बेसिकली फैट क्यों प्रेजेंट होता है इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, ताकि वहां पर इंटरनल कोई फ्रिक्शन काइंड ऑफ शॉक बिल्डअप ना हो, ठीक है। यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है, स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो एक्सेस इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर के तरह एक्ट करते हैं। सो अगर किसी भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में कोई डाउट है, सो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक मैंने आपको ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दिया। ओके, कार्टिलेज के बारे में तो रह ही गया। ओके, कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स, द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। सो यहां से समझ पा रहे हो कार्टिलेज के पास कैसा मैट्रिक्स होता है, सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होगा, जैसे हम बात करी थी बोन्स के केस में, ठीक है, बोन्स के केस में अगर हम बात करें, सो बोन्स के केस में क्या था, कैल्शियम फॉस्फोरस के कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। कार्टिलेज के केस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स और शुगर्स। क्या करेगा कार्टिलेज, स्मूथंस बोन सरफेस एंड जॉइंट्स, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंक्स। सो ये क्या है, कहां कहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, नोज में, ये जो है स्ट्रक्चर दिस इज कार्टिलेज। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है। वी कैन फॉल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स, ईयर्स में भी प्रेजेंट होता है, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स, ठीक है। सो यहां से कार्टिलेज और बोन्स के बीच में भी डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पार्ट से। आप लोगों को एक पीडीएफ दे दिया जाएगा जिसमें डिफरेंस वाले टेबल होगी, या फिर आपसे जो है बना दी जाएगी ये वाली टेबल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आप लोगों को सबसे पहले खुद ट्राई करना है टेबल बनाने के लिए, ठीक है, सभी टेबल बना के लाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर क्या होते हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि मूवमेंट टर्म आ गई, यानी कि मसल सेल्स, मसल टिश्यूज इन्वॉल्व है। सो ये कैसे होते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, सो दे आर इलॉन्गेटेड सेल्स, और क्या बोलते हैं इनके सेल्स को, हम बोलते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे मसल्स को क्या करना है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी है, सो यहाँ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे टू कॉज मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई चीज कर रही है, सो लेट्स सपोज दिस इज दैट रिलैक्स्ड स्टेट, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सो धीरे धीरे ये छोटी होती जाएगी। सो यहाँ से क्या हो रही है, ओवरऑल मूवमेंट हो रही है। किसकी हेल्प से होती है मूवमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मूवमेंट किसकी हेल्प से होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, बोथ करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रोटीन्स, ठीक है। सो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द डायग्राम, ये देखिए ये क्या है, ये आप ऊपर से ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, दीज आर दी न्यूक्लियस, दीज आर दी स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन देखो फर्दर तीन कैटेगरी होती है इनकी, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड दी स्केलेटल मसल, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं इनके बारे में।
स्केलेटल मसल्स क्या है वो हमारी बोनी स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है हमारी बॉडी के, और अगर कोई चीज हमारी बोन्स के साथ अगर मसल्स अटैच होंगी सो वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करेंगी, और हमारी फिर बोन्स भी क्या करेंगी, मूवमेंट शो करेंगी। ठीक है, अब ये स्ट्राइएशंस की अगर मैं बात करूँ, जो आपके डायग्राम में स्ट्राइएशंस दे रखी है, कैसे हुई, दीज आर बिकॉज ऑफ दी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ स्ट्राइएशंस व्हेन स्टेन्ड एप्रोप्रिएटली। ठीक है, सो क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम देखते हैं किसी मसल सेल्स को तो कैसे देखेंगे, सो उनको अच्छे से स्टेन करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर ही लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर लाइट हो गया, यहाँ पर डार्क हो गया, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, इस तरीके से हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स सेंसिटिव कंडीशन है और जो है आपको ध्यान रखना है, सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, दे आर स्ट्राइएटेड मसल्स, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। ये सभी नोट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए। हर एक मसल टाइप की, हर एक कनेक्टेड टिश्यू के टाइप की डिस्क्रिप्शन आपकी नोटबुक में होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्केलेटन मसल्स लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, फिर लिखोगे लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, इस तरीके से पॉइंट्स की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर काइंड ऑफ मसल दैट आर इनवॉलंटरी मसल, जो कि इनवॉलंटरी मसल होती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड की मूवमेंट की बात करें, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड की मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड की मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, सो यानी कि देखो, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स जो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई फंक्शन अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, दैट इज़ वॉलंटरली परफॉर्म्ड फंक्शन। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल हमारी जो फूड वाली जितने भी पोर्शन में हमारी फूड की डाइजेशन हो रही है, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, वो आते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ब्लड वेसल्स की, ऑर्गन्स की, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, वही इस तरीके की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, क्योंकि हमारा जो है इन पर कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। कहाँ कहाँ पर मिलेंगी, ऑफकोर्स उन सभी मसल्स को लिख दो जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। आयरिस ऑफ द आई, आई का ही एक पार्ट है, यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। सो ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स का पार्ट है, यूरेटर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ के जो सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, यानी कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। इसी तरीके से आपको बनाना है, जैसे यहाँ पर क्या था, लॉन्ग सेल्स, यहाँ सिलेंड्रिकल थे। पॉइंट्स बनाओगे, सो स्मूथ मसल्स में लिखोगे लॉन्ग है, पॉइंटेड एंड्स एंड स्पिंडल शेप, यानी कि स्पिंडल शेप इस तरीके से होते हैं कुछ। ठीक है, यानी कि दे आर टेपरिंग टुवर्ड्स दी एंड, एंड्स के टुवर्ड्स इनका जो है थोड़ा कम थिकनेस है। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्राइएटेड। अनस्ट्राइएटेड क्यों कहते हैं, अगैन सिंपल सा पॉइंट है, अनस्ट्राइएटेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइएशंस नहीं होती, सो सिंपल। ठीक है, अब हार्ट के मसल्स की अगर हम बात करें, सो वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती हैं थ्रू आउट दी लाइफ। पूरे लाइफ टाइम तक हार्ट की मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है विदाउट एनी फटीग। सो ये भी हैं तो इनवॉलंटरी मसल्स ही, लेकिन जब आप डायग्राम देखोगे ना हार्ट का, सो देखो हार्ट मसल्स का यहाँ पर भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, कार्डियक मसल्स, ये ब्रांच्ड होती हैं, सिलेंड्रिकल हैं, लेकिन विद स्ट्राइएशंस हैं, प्लस इनवॉलंटरी भी हैं। सो ना ही तो ये स्मूथ मसल्स वाला पूरा फंक्शन शो कर रही हैं, और ना ही हमारी स्केलेटल मसल्स का। सो इनको एक नया नाम दे दिया जाता है, इन इस टाइप के मसल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स।
ठीक है। सो यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग ऑन टू दी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, सभी सेल्स के पास एक एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई, लेट्स सपोज जैसे कि पेन अगर इस तरीके से हिट हो गया अगर हाथ पे, सो एक स्टिमुलाई जाता है मेरी ब्रेन के पास, मेरे ब्रेन के पास कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर फंक्शन हुआ है। लेकिन जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज फॉर बींग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग दी स्टिमुलस वेरी रैपिडली। अब देखो, ऐसा तो नहीं होता कि लगभग एक दो मिनट लगे किसी भी फंक्शन, जैसे कि मैंने किसी चीज़ को देखा सो वो डायरेक्टली मेरे ब्रेन में उसकी पूरी इमेज आ गई, सब कुछ हो चुका है, तुरंत हो गया है। दिस इज़ अ रैपिड प्रोसेस, वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन दी बॉडी। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड दी नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ दी नर्वस टिश्यू। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स, ठीक है। अब नर्व सेल्स, जैसे कि मैंने बताया था, बोन सेल्स का नया नाम है ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज सेल्स का कॉन्ड्रोसाइट्स। इसी तरीके से नर्व सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स, और ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आप ब्रांचेस देख पा रहे हो, दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ दी न्यूक्लियस, ये जो प्रेजेंट है दिस इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। और ये पूरी सेल बॉडी है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज एक्सॉन एंड दीज आर दी नर्व एंडिंग्स। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूरॉन में क्या है, देखो सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, इनको कहा गया है दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है। यूजली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड दी एग्जॉन। ये देखो एक लंबा सा पार्ट है, इसको क्या कहा गया है, एग्जॉन, और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं ये वाले स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। एक अकेले नर्व सेल की अगर हम बात करें, सो दैट मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। Many nerve fibers bound together by the connective tissue make up a nerve. ठीक है, सो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का भी बीच में फंक्शन आता है कि वो इन सभी नर्व सेल्स को एक साथ रखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंड्राइट्स क्या है, फंक्शंस को रिसीव करते हैं, एग्जॉन इस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं, और फिर हमारी नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट्स के पास फंक्शन जाएगा, और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। A signal that passes along the nerve fiber is called nerve impulse, ठीक है। अब यहाँ से जो पूरा सिग्नल गया, जो मैंने आपको बताया था कि भाई डेंड्राइट के पास गया, फिर सेल बॉडी, देन दिस, इसको हम बोलेंगे नर्व इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स टर्म यूज़ करी जाती है, ध्यान रखना। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पेक्ट टू दी स्टिमुलस, इन रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें पता ही नहीं लगेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है बाहर, लेट सपोज न्यूरॉन्स नहीं होते, नर्व सेल्स नहीं होते, तो क्या होता, कोई भी चीज़ ऐसे टच हो रही है हमारी बॉडी को, पेन हो रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा है, कुछ डैमेज हो रहा है बॉडी में। मतलब पेन क्या होता है, पेन इज़ बेसिकली दी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ठीक है। अगर डैमेज हो रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं लग रहा है, इससे बुरा क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग फंडामेंटल क्या है एनिमल्स के साथ, कि मसल्स और नर्व सेल्स कनेक्टेड होते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है, दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दी चैप्टर, ठीक है। एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट भी आज हमने कम्प्लीट कर लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सो टिल देन, अगर आपको कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।